हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वो ब्लीच के ऊपर है, जिसमें कि मैं आपको O3 प्लस ब्रांड की मेलाडर्म विटामिन सी जेल ब्लीच के बारे में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रही हूँ, किस तरीके से हम लोग ये ब्लीच को यूज करेंगे। लेकिन इस ब्लीच को यूज करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको बता दूँ। ये जो ब्लीच है ये आप ऑल स्किन टाइप है, फिर भी आप इसको सेंसिटिव स्किन पर नहीं करेंगे और इसको आप लोग एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर नहीं करेंगे। ये दो स्किन को आपको अवॉइड करना है ये ब्लीच करने से पहले। तो आपके अगर स्किन पे किसी भी तरह का टैन हो रहा है, और जैसे कि ब्राइडल सीजन शुरू होने जा रहा है तो ब्राइड्स के लिए ब्लीच बहुत अच्छी रहती है, तो तब आप लोग अपनी ब्राइड्स के ऊपर इस ब्लीच को कर सकते हैं। टैन हो रहा है तो टैन को रिमूव करेगा, फेस पर ग्लो लाएगा, वाइटनिंग इफेक्ट देगा और अपने जो अनइवन हेयर्स होते हैं उन हेयर्स को ये ब्लोन शेड में कर देता है, ताकि जब हमारा मेकअप होता है वो बहुत फ्लॉलेस दिखता है। तो आप अपने क्लाइंट के ऊपर ये ब्लीच कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि जो विटामिन सी की जेल ब्लीच है O3 प्लस ब्रांड की, वो हमको किस तरीके से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ब्लीच स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने बालों को सिक्योर करेंगे एक बैंड लगाकर। इसके बाद वेट टिश्यू से मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। आप चाहें तो क्लींजिंग कर सकते हैं फेस की, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप वेट टिश्यू से फेस को क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए आप। क्लीन करने के बाद टॉवल से थोड़ा ड्राई करेंगे फेस को। जैसा कि आप जानते हैं, हम O3 प्लस की ब्लीच करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रोडक्ट जो होता है वो मेलाडर्म क्रीम होती है, जिसको कि हम फेस पर लगा देते हैं ब्लीच की एप्लीकेशन से पहले। ये प्री ब्लीच होता है, कई किट में ये आता है, ताकि जो हम लोग ब्लीच कर रहे हैं उससे हमारे स्किन पर कोई हार्म ना हो। इस तरीके से आप इसको स्किन पर एज अ क्रीम की तरह एप्लीकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा, जेल ब्लीच लेंगे और इसमें एक्टिवेटर डालेंगे। फ्रेंड्स, मेरी जो इसकी एक्टिवेटर की जो कंटेनर था वो टूटा हुआ था, तो मैंने दूसरे कंटेनर में डाल लिया है। तो इस तरीके से आप जेल ब्लीच को निकालेंगे। दो स्पैचुला लेनी है और पीछे के स्पैचुला से दो छोटे स्पैचुला आप ब्लीच पाउडर डालेंगे। ये जो ब्लीच पाउडर है ये O3 प्लस ब्रांड का ही है, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस एक्टिवेटर को आप थोड़ा कम क्वांटिटी में डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम फेस पर ज़्यादा जलन होती है तभी इसको बोला जाता है कि ये सेंसिटिव स्किन पर हमको नहीं करना और एक्ने पिंपल पर नहीं करना। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा एक्टिवेटर कम डाल के ही काम करें। जेल ब्लीच है इसलिए बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है, आप पतली सी लेयर इसको फेस पर एप्लीकेशन करेंगे। दो से तीन मिनट बाद ये थोड़ा सा बबल सा इसमें से निकलते हैं और थोड़ी फूल जाती है ब्लीच। तो इसको लगा के हम लोग 5 मिनट तक पहले रखेंगे ब्लीच को। इस तरीके से मेरी एप्लीकेशन पूरी होने वाली है और मैं इसको लगा के 5 मिनट रखूँगी। 5 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि ब्लीच का जो हमारे हेयर्स का जो कलर है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर जिनको कलर चेंज नहीं करना हो वो ब्लीच को 5 मिनट बाद ही रिमूव कर सकते हैं, और जिनको कलर चेंज करना हो, जैसे कि फेशियल हेयर्स ज़्यादा हो, देखिए इस तरीके से फेस के ऊपर ये दिखने लग गई है, बबल से बन रहे हैं इसके अंदर। आपको फील भी होगा लगाने के बाद कि ऐसे कुछ बबल से बन रहे हैं फेस के ऊपर।
अगर मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको बालों का कलर चेंज नहीं करना तो आप 5 से 6 मिनट में इसको रिमूव कर दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 10 मिनट इसको लगा के रखिए, 10 से 12 मिनट, और चेक करके हेयर कलर चेंज हो जाए फेस का तो उसके बाद आप लोग इसको रिमूव कर दीजिए। अच्छे से वेट टिश्यू से आप क्लीन करेंगे फेस को। इस ब्लीच का बहुत अच्छा ग्लो आता है, जितना भी टैन होता है वो रिमूव हो जाता है वन सिटिंग में ही, तो आप ये ब्लीच को अपने सैलून में यूज़ कर सकते हैं। टॉवल से डैप करके जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, गीला जो फेस हुआ हुआ उसको क्लीन करेंगे एक बार, कोई प्रोडक्ट भी लगा रहता है तो इससे रिमूव हो जाता है अच्छे से, एक बार ज़रूर हम लोग टॉवल ड्राई फेस को करेंगे। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैं वैदिक लाइन का लगा रही हूँ, इसको मैं अच्छे से एब्जॉर्व करूँगी स्किन के अंदर। किसी भी ब्रांड का आप लोग मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, चाहे तो O3 का भी लगा सकते हैं, शैरल्स का भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, और स्किन के अकॉर्डिंग अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो थोड़ा मैंने थिक वाला लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को ड्राई स्किन बहुत जल्दी होता है, इसलिए मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ फेस की। इसी तरीके से आपको फेस की मॉइस्चराइजिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सीखा कि O3 प्लस की जो जेल ब्लीच है उसको हम लोगों को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।